हमारे विद्यालय लिटिल फ्लावर हाई स्कूल ने छुट्टियों के गृह कार्य बच्चों को करने के लिए दिया है। कुछ बच्चे इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं। इस गृह कार्य को कैसे करना है, क्या करना है और कहाँ करना है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। यदि बच्चे इस गृह कार्य को नहीं कर रहे हैं तो जो कुछ भी बच्चों ने सीखा है वह भूल जाएंगे, क्योंकि 2 महीने से बच्चों ने नहीं पढ़ा स्कूल आकर, और आगे भी पता नहीं वे कब तक स्कूल जा पाएंगे और सही से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आप सभी माता पिता से निवेदन है कि इस कार्य को प्रतिदिन बच्चों से करवाने में सहयोग करें। सबसे पहले हम आपको PDF फाइल डाउनलोड करना बताते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर PDF रीडर टाइप करने पर आप PDF ऐप डाउनलोड करें। यदि आपको मालूम नहीं चल पा रहा है तो हम आपको इसका लिंक भेज देंगे। तो अब हम स्कूल के शीट नंबर 1 पे चलते हैं, जो क्लास UKG की है। इसे आप 13/5 को करेंगे। कब करेंगे? 13/5 को। और क्या करना है इसमें हमें? UKG की 1 से 50 तक काउंटिंग लिखनी है। जैसे 1, यहाँ लिखना 1, 11, 21, 31, 41, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये 3। इसे किस में करना है? मैथ की कॉपी में करना है। ओके, नेक्स्ट शीट नंबर 2 पे आ जाओ। मिसिंग लेटर यानी इंग्लिश का है। A to Z तो सबको आता है, A to Z करना है। यह आपका वर्क है आपका 14/5 का। ओके, इसमें आपको ABCD फिल करनी है। ऐसे क्या करना है? ABCD फिल करनी है। ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, डी लिखा हुआ है, ई लिखना है, और ये आपको जेड तक पूरा कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे आएंगे, जो है 15/5। ओके, इसे आप कर्सिव राइटिंग इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश की 4 लाइन कॉपी होती है, उसके बीच की लाइन में ही आपको ये लिखना है। इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, पेरेंट्स से बोलना कि पापा ये वाली लाइन हमारी लिख दो, इसे हम सेम करें, आप लिख दो। तो ये आपका हो जाएगा 16/5। ओके, अभी आ जाएगा 17 को, मैथ की कॉपी में करना है। ये मैथ वर्क है, ये इसमें आपका बहुत ही इंटरेस्टेड वर्क है। इसमें आपको कलर करना है। ये आपका है 17/5 का, ठीक 17/5 का है। इसमें आपको क्या करना है? बिग और स्मॉल, बिग माने बड़ा, स्मॉल में छोटा। जो बड़ा नंबर है उसमें आपको रेड कलर भरना है। जो बड़ा नंबर है उसमें आपको क्या भरना है? रेड कलर। इसमें ऐसे रेड कलर भरना है, ठीक। और जो स्मॉल है उसमें आपको सब में ग्रीन कलर भरना है। तो ये आपका ग्रीन कलर भर जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको पूरी काउंटिंग में ये इस तरीके से फिल करना है। ओके, अभी आ गया पेज नंबर 5। ये आपको करना है 17/5 को। ओके, ये गेम है आपकी, लूडो वाली गेम होती है। तो इसमें आपको क्या करना है? नंबर 1 पे आप गोटी रखोगे और गोटी खेलोगे, अपने मनपसंद की गोटी रखो और आगे बढ़ते जाना 1 by 1। तो नंबर 4 पे कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखा है Back to Number 1, यानी आपको नंबर 1 पे वापस आ जाना है। यानी आप आउट हो गए तो नंबर 1 पे दोबारा वापस आ जाओगे। इसी तरीके से आपको ये बढ़ते जाना है। 12 नंबर पे आप क्या कर रहे हो? दोबारा से कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखा है Back to Number 5, तो आपको नंबर 5 पे वापस आ जाना है। तो यानी आप आउट होकर नंबर 5 पे आ गए। ओके, नेक्स्ट है आपका 6, पेज नंबर 6। इसमें आपको हिंदी का है, ये हिंदी कॉपी में करना है। मैचिंग मिलानी है, अक्षर को चित्र से मिलाएं व चित्रों में रंग भरें, यानी चित्रों में आपको रंग भरना है। आ से रंग भरना है, छोटे आ से अखबार, अंग से अंगूर, ठीक है। तो ये आपको कौन सी तारीख को करना है? 17 हो गया था, अभी हमें 18 को करना है। ओके, 18/5, ठीक कर लेंगे ना? ओके, अभी 7 है, इसे हम क्या करेंगे? इसको इसमें सबसे ईजी वर्क है, जैसे HE लिखा है तो ही के आगे क्या लिखा है? रेड कलर, यानी हमें रेड भरना है। तो हम रेड कलर पे आ जाएंगे,
रेड कलर भरेंगे, एच ई ही पे हमने रेड कलर भर दिया, आई टी ई इट पे येलो कलर भरना है, आई टी ई टी येलो कलर भरना, ओके। ऐसे ही आपको ये पूरे कलर भरना है तो ये आपकी जो एंट है वो कंप्लीट हो जाएगी कलरफुल, ओके। ये आपका काम है 18 का, कितना है 18 से 5 का, 18 और 5। अभी आ जाएगा हमारा 19, ये वर्क है हमारा 19 5। तो आपको एक सॉक्स लेना है, रिबन लेना है आधा मीटर, रुई लेनी है, एक मोटा चार्ट पेपर लेना है और एक बिंदी का पत्ता लेना है और धागा लेना है। तो आपको क्या करना है, इसमें नंबर वन देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्टफ एंड ओल्ड सॉक्स, एक ओल्ड सॉक्स लेना है, उसके अंदर क्या करना है, रुई भरनी है, रुई भर कर उसको उसके मुँह को धागे से बांध देना है। अब पिक्चर नंबर टू पे देखो, पिक्चर नंबर टू को बीच में से भी बांध देना, नीचे से भी बांध देना, तो ये दो गोल बराबर हो गए हैं। अब पिक्चर नंबर थ्री देखिए, पिक्चर नंबर थ्री है, जो ऊन ली है ऊन को हम सर पे रख के उसको कटिंग करके उसे बालों की शेप दे देंगे, और जो बिंदी का पत्ता है उसे आँखों पर चिपका देंगे, और जो ऊन है होंठ बना देंगे, और नीचे बिंदी से उसके लिप्स बना देंगे, ओके। और पिक्चर नंबर फोर पर देखो, रिबन लेना है और जो चार्ट पेपर था उसको कटिंग करनी है ऐसी स्क्वायर शेप में, और उसके जो कपड़े में बिंदी लगा देना और ट्रायंगल बना देना, और जो रिबन था उसको आप उसके गर्दन पे बांध देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत डॉल लगेगी, ओके। आगे नेक्स्ट देखेंगे अब हम, ये है 19 का, 19 का वर्क है, ये आपका 20, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग मिलानी है, जैसे चेस्ट बॉडी पार्ट्स नेम में मिलाना है, चेस्ट, चेस्ट कहाँ होती है ये, फिंगर कहाँ है ये, हेड कहाँ है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है। ये आपका EVS वर्क है, इंग्लिश की कॉपी का। आगे आ जाइए 21 पे, ये है आपका 21 पाइप डेट है, पेज नंबर 10 है। इसे आप कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे पेरेंट्स की हेल्प से। आगे हिंदी, हिंदी को आप मैचिंग मिलाएंगे, बहुत ही इजी वर्क है, ये है आपका 22 का वर्क, 22 का, ठीक है, 22 का वर्क है, इसको आप मैचिंग मिलाएंगे सेम। ये है 23 का वर्क, 23 5, ठीक। ये भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके कर्सिव राइटिंग करेंगे। आगे है ट्री, अब आपको ट्री बनाना है, और ट्री हमें क्या क्या देता है, ट्री हमें क्या क्या देते हैं, ओके। पेज नंबर 13, ये डेट है आपकी 22 5, ठीक, 22 5 है। इसमें आपको ट्री बनाना है, ट्री बनाएंगे और ट्री हमें क्या क्या देता है वो आइटम बना के उस पर चिपका देना, वी गेट फ्रॉम एनिमल अराउंड द ट्री, और हमारे चारों तरफ एनिमल्स होते हैं, ट्री के चारों तरफ कुछ एनिमल भी आप लग बना सकते हो, ओके। आगे पेज नंबर 14, ये आपका 23 का वर्क है, 5, ठीक, कर्सिव राइटिंग है, इंग्लिश की कॉपी में करना है, ठीक। इसे इंग्लिश की कॉपी में करेंगे, पेरेंट्स से बोलेंगे वन लाइन लिख दो, दूसरी लाइन बाकी पाइज हम भरपूर करेंगे। ये आपका 24 का, इसमें क्या करना है आपको, फनी फेस दिए गए हैं, फेसेस दिए गए हैं, जैसे खुश है, कौन सा बच्चा खुश है, इसमें कौन सा फेस खुश दिख रहा है, ये वाला, इसमें हम इसको, ये जो फेस है वो बहुत खुश है, यानी ये बहुत खुश है, ये गुस्से में है, ये एक्साइटेड है, ये बच्चा एक्साइटेड है, ये वाला फेस, ये अपसेट हो गया, और ये सरप्राइज है, ठीक। इसको ऐसे करके मैचिंग मिलानी है, ठीक है। अब पेज नंबर 16, यानी ये 25 का वर्क है, 5, इसे जोर जोर से पढ़ेंगे हिंदी को, छोटे ऐसे अनार, बड़े ऐसे आम, छोटी सी इमली,
इस तरीके से पूरा पढ़ना है, और इसके बीच में हमें ये चित्र बनाना है, जैसे छोटा से अनार, तो हम इसमें चित्र बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे, बड़े ऐसे आम, इस तरीके से चित्र बनाना है। ओके, यह है हमारा 26 का वर्क, शीट नंबर 17 और डेट है 26। ओके, ये कर्सिव राइटिंग वर्क है, ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 18 पेज नंबर, यानी ये 27 का वर्क है, 27 5। ठीक, इसमें हमें ये जो डॉल दिख रही है, डॉल को कैंडे तक पहुंचाना है, तो इसमें हमें जो रास्ता दिया गया है उस रास्ते से अंदर घुसना है, और जहाँ रास्ता बंद है वहाँ से नहीं घुसना, जहाँ से कट है वहीं से घुसना है, यानी ऐसे घुस के हम ये कट के अंदर से आ जाएंगे, और कैंडी डॉल है जो कैंडी ले लेगी, और इसमें हम पूरे में फ्लावर्स में कलर कर लेंगे। नेक्स्ट वर्क है हमारा 19 पेज नंबर, ये कर्सिव राइटिंग है, ये आपका 28 का वर्क है, कर्सिव राइटिंग है, इसे पेरेंट्स की हेल्प लेके करेंगे। पेज नंबर 20 है, इसे आप करेंगे 29 को, ठीक है, 29 को करेंगे। एक ट्री है, ट्री बनाया है, उसमें गुड मैनर्स दिए गए हैं, उस गुड मैनर्स को आपको रोज़ बोलना है और याद करना है, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, गलती जाते हम क्या बोलते हैं, सॉरी, वेलकम, कोई हमें थैंक यू बोलता है या तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेलकम, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, फिर हम उससे बोलते हैं प्लीज़ गिव मी या पेंसिल, तो आपको गुड मैनर्स याद करने हैं और इसमें कलर करना है। यह आपका वर्क है ड्राइंग का। ओके, 21 पेज नंबर है, यानी ये 30 का है, 30 और 5, ये भी आप पेरेंट्स की हेल्प लेके करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अभी हमारा है डॉल है, उस डॉल को बलून तक जाना है, तो ये हमारा है 16। ओके, डॉल को यहाँ कट से घुसना है, कट से निकालेंगे हम, फिर ये कट है, कट से निकलेंगे, जहाँ जहाँ कट है वहाँ से निकलते हुए जाएंगे हम, तो हम यहाँ डॉल के पास, बलून के पास हम पहुँचा देंगे डॉल को। ओके, अब पेज नंबर 23, यानी ये 26 का काम है, तो ये आप कर्सिव राइटिंग है, पेरेंट्स की हेल्प लेके करेंगे इंग्लिश की कॉपी में। नेक्स्ट है हमारा 24, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ दो पिक्चर एक जैसी सेम है, लेकिन इनमें गलतियां दी गई हैं, तो जो गलतियां हैं उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो गलतियाँ, जैसे ये सूरज, आधा सूरज इस पिक्चर में पूरा है, तो जो पिक्चर में जो पूरा है उस पर हम सर्कल लगा देंगे, यानी गलत है। ये पेड़ देखो, ये पेड़ पत्तियाँ हैं, इस पेड़ सूखा हुआ है, तो ये पूरा ही पेड़ में गलतियाँ हैं, ये दरवाज़ा बंद है, ये दरवाज़ा खुला है, तो ये भी गलती है, इसमें सर्कल लगा देंगे, जितनी भी गलतियाँ उनमें सर्कल लगा देंगे, और काउंट करके लिख लेना कितनी गलतियाँ निकली हैं। ओके, ये हमारा वर्क था 3 तारीख का, ये हमारा वर्क 3/6 का, ये है हमारा वर्क 4/6 का, ये आप पेरेंट्स की हेल्प लेके करेंगे कर्सिव राइटिंग इंग्लिश की कॉपी में। ये है मैथ का वर्क, पेज नंबर 26, ठीक है, पेज नंबर 26 है, तो इसमें तरबूज दिया गया है, वाटरमेलन, उसमें बीज हैं, तो ये बीज हैं 1 2 3 4 5, 5 बीज है ना, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, ऐसे ही सब बीज काउंट करने हैं, तो उसको लिख देना है, काउंट एंड राइट, ठीक है। ये आपका वर्क था 3 तारीख का, नहीं, ये वर्क है आपका 4 तारीख का, 4/6 का, इसे आप रीडिंग करेंगे, ये रीडिंग दी गई है छोटी बड़ी की मात्रा, इसे रीडिंग करेंगे। रिम झिम अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने गई, इस तरीके से आप पूरा नीचे तक पढ़ेंगे, और ये दिया गया है
बढ़िया की मात्रा, छोटों की मात्रा, बड़ों की मात्रा के शब्दों का प्रयोग कर उसकी कहानी बनाकर बच्चों को इन मात्राओं के उच्चारण से परिचित करवाएं। तो यानी जो पेरेंट्स हैं मात्राएं लिख के इनकी बढ़िया की, छोटों की, बड़ों की मात्रा लिख के बच्चों को पढ़ाएं। यह हमारा वर्क है 28 पेज नंबर 5-6 का। ये कहानी है, चलो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, स्टोरी सुना रही हूँ। एक लड़की होती है मैरी नाम की, वो गार्डन में फूल तोड़ने जाती है। तो एक जो मकड़ी होती है वो देख के वो डर जाती है। तो वो मकड़ी उसके ऊपर आती है झपट्टा मारने के लिए, तो वो डर जाती है। उसकी जो टोकरी होती है वो नीचे गिर जाती है और वो अपने घर भाग जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि नंबर वन, पहले मैरी क्या करती है, गार्डन में आती है, तो हम नंबर वन लिख देंगे। फिर क्या करती है, वो फूल तोड़ती है नंबर टू। इसी तरीके से सिक्वेंस वाइज 5 लाइन बना देनी है। ओके, ये आपका है 6 तारीख का, 6-6 का। तो ये भी आप पेरेंट्स की हेल्प लेके करेंगे कर्सिव राइटिंग का। ठीक है, कर्सिव राइटिंग ये आपकी, पूरा पेज फिल करना है इंग्लिश का। ये आपका मैथ का वर्क, ये आपका है 7-6 का। ठीक है, तो इसमें हमें 7 पिक्चर बनानी है। हमें क्या करना है, इसमें 7 पिक्चर बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पिक्चर बनानी है। तो जब हम 7 पिक्चर बनाएंगे, 8 है, 8 पिक्चर बनाएंगे, 11 है, 11 सर्कल बनाएंगे। आप सर्कल बना दीजिए। ओके, ये वर्क है आपका। नेक्स्ट है आपका 31 पेज नंबर, ये वर्क है आपका 7-6 का। ओके, ये भी कर्सिव राइटिंग है, आप पेरेंट्स की हेल्प लेके करेंगे, पूरा पेज फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 22, 8 का, यानी 8 तारीख का, 8-6 का। ठीक है, ये मैथ का वर्क है, काउंट एंड राइट, यानी 2 एप्पल हैं तो हमें 2 लिख देना है, 1, 2, 3 एप्पल है तो 3 लिख देना है। तो इसमें आप साथ में कलर भी कर देंगे, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने हो गए, ये पूरे 5 हो गए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वर्क है हमारा, ये मंकी, मंकी को कहाँ जाना है, ट्री के पास जाना है। तो ये वर्क है हमारा 8-6 का। ठीक, तो इसमें 1 के पास चले जाओ, 2 के पास चले जाओ, 4 के पास चले जाओ, 5 के पास चले जाओ, फिर दोबारा 6 के पास आ जाओ, 7 के पास आ जाओ। इस तरीके से आपको सीरियल वाइज आना है और 20 के बाद उसके अंदर ट्री के पास उसको आ जाना है। ठीक है, हो जाएगा, और आप ट्री में कलर कर देना। पेज नंबर 34, ये वर्क है 9-6। ठीक है, कर्सिव राइटिंग है, आपको खुद करनी है, पेरेंट्स से बोल देना एक लाइन लिख दो, बाकी लाइन हम लिखेंगे। पेज नंबर 35, ये आपका वर्क है 10-6 का। ये 1 to 50 काउंटिंग आपको बताई थी, आप खुद करेंगे मैथ की कॉपी में। कर्सिव राइटिंग है 11-6। ठीक है, 11-6 का वर्क है, आप खुद करेंगे कर्सिव राइटिंग इंग्लिश कॉपी में। पेज नंबर 37, 11-6। ठीक है, मिसिंग नंबर है ये, 1 के बाद क्या आता है, 2, तो आपको 2 लिख देना। 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, अब यहाँ 12, 13, 14 या 15 लिख देना आपको। इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है ये मिसिंग नंबर। मैथ की कॉपी का वर्क है ये, मैथ का। ये आपका है 12 तारीख का, 12-6। इसमें आपको ये बताना है कि आप बॉय हो कि गर्ल हो। अगर आप बॉय हो तो बॉय पे टिक लगा दो, अगर आप गर्ल हो तो आप गर्ल पे टिक लगा दो, और आप अपना यहाँ पे नाम लिख दो, जैसे रीना। आप गर्ल हो तो आप रीना लिख दो। ठीक है, आप कितने साल के हो, 5 ईयर के हो, तो 1, 2, 3, 4, 5 ईयर के हो तो यहाँ 5 लिख दो।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 38 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका पेज नंबर पूरा कंप्लीट हो गया 38, तब आप ये डेट बाई डेट अपना वर्क करिए और उसको याद करिए, ओके। अगर किसी को कुछ ना आता हो तो वो आप फ़ोन लगा कर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।